हैप्पीनेस, दौलत और खुशी, अकेला खुशी नहीं लिखा, अकेला दौलत नहीं लिखा, क्योंकि दोनों जुदा जुदा हैं। जो नादान लोग दुनिया में दौलत को खुशी मान लेते हैं और खुशी को ही दौलत मान लेते हैं, उन लोगों से जीवन भर अगर आप पूछोगे तो आपको यह पता चलेगा दुखी ही रहते हैं। लेकिन वेल्थ अलग है और खुशी अलग है, लेकिन दोनों के लिए जो विज्ञान कहलाती है, अगर वो समझ में आ जाए तो दोनों हमारी जीवन में आ सकती है। लेकिन इस विश्व में गवाह है वो सारे दुनिया के कामयाब लोग, अमीर और सक्सेसफुल लोग, जिनको वेल्थ मिली है, जिनको जिंदगी में हैप्पीनेस मिली है, वो उन्हीं लोगों को मिली है जो भाग्यशाली थे, जो भाग्यशाली लोगों को ही दौलत मिलती है। अगर मेहनत से आती तो दुनिया में मजदूर आदमी सबसे ज्यादा कामयाब होता, मेहनत से कामयाबी मिलती तो गधा जंगल का राजा रहता, क्योंकि सबसे ज्यादा वही माल ढोता है बेचारा। कितनी मेहनत करते हैं विश्व के लोग, लेकिन दौलत और खुशी कुछ लोगों को मिलती है, क्योंकि ये नसीब से मिलती है, ये भाग्य से मिलती है। सुनो, आज तक ये तो सुना था कि भाग्य से मिलती है, लेकिन ये नहीं सुना होगा भाग्य कैसे मिलता है। भाग्य का भी विज्ञान है। आज तक ये तो पता था दौलत भाग्य से मिलती है, खुशी भाग्य से मिलती है, लेकिन भाग्य भी भाग्य से मिलता है, इसकी भी एक विज्ञान है, और वो विज्ञान आज आप और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साइंस ऑफ लक। भाग्य का विज्ञान। रेडी है? क्या होता है भाग्य का विज्ञान, किसे कहते हैं साइंस ऑफ लक? दुनिया में तीन आर हैं। दुनिया में तीन आर का फार्मूला कई जगह पे लागू होता है। अमेरिका में तीन आर का फार्मूला अलग है, यूरोप में तीन आर का फार्मूला अलग है, ऑस्ट्रेलिया में तीन आर का फार्मूला अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में और दुनिया में जिस जिसको वेल्थ लेनी है, जिस जिसको दौलत कमानी है, जिस जिसको खुशनसीबी कमानी है, जिसको भाग्य जानना है, उस आदमी को तीन आर से गुजरना पड़ता है। और वो तीन आर में पहला आर है रेज, उठाना और बढ़ाना, उठाना और बढ़ाना। दुनिया में खुशकिस्मत लोग रास्ते में आए मौकों को बढ़ाते हैं, खुशकिस्मत लोग रास्ते में आए मौकों को बढ़ाते हैं, उनको लिवरेज कर देते हैं। दुनिया के भाग्यशाली लोग जब मौके आते हैं तो खुजली नहीं करने लग जाते, उठाते हैं, उनको बढ़ाते हैं। दुनिया के भाग्यशाली लोग मौकों को उठाते हैं, उनको बढ़ाते हैं, पहला आर। दूसरा आर, उन मौकों को पहचानते हैं। खुशकिस्मत लोग रास्ते में आए मौकों को पहचानते हैं, उनको लाइफ में अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं, उनको पहचानने का प्रयास करते हैं, और फिर रिस्पोंड करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। पहले मौके आते हैं खुशनसीब लोगों के पास तो उठाते हैं मौकों को, उनको पहचानते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। ये हैं तीन आर दुनिया में खुशकिस्मत लोगों के विज्ञान का पहला बिंदु। दुनिया के खुशकिस्मत लोग आए हुए मौकों का मजाक नहीं उड़ाते, उन पे फब्तियां नहीं खसते, उनमें कमियां नहीं ढूंढते, सबसे पहले उन मौकों को वो उठाते हैं, उनको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, फिर रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पहचानते हैं, और पहचानने के बाद उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। पहला एग्जाम्पल इस दुनिया में आपने देखा होगा, पूरे जगत में, पूरी दुनिया के 300 देशों में और टेरिटरीज में बारिश आती है कि नहीं आती है? आती है ना बारिश? और दुनिया में जहां रोज बारिश आती है वहां भी पीने के पानी की कभी कभी कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये तो सबको पता है कि बारिश सबके लिए है, लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग कितने घरों में होती है? क्या वाटर हार्वेस्टिंग सब घरों में होती है? भारत में एक राज्य है तमिलनाडु जिसके अलावा कहीं पे वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी नहीं है, और सारे राज्यों में बारिश आती है। राजस्थान में 24 इंच बारिश हर साल होती है, 24 इंच बारिश होती है, और 12 इंच बारिश हो जाए तो 1/1 में जो घन फिट है इसमें 28 लीटर पानी इकट्ठा होता है। और कोई भी आदमी अपनी जिंदगी में
इस पानी को ले सकता है कि नहीं ले सकता है, लेकिन भाग्य कहते किसे हैं इसकी साइंस आज पता करने के लिए आपको यह पता करना पड़ेगा कि बारिश तो सबके लिए है, मौके पूरे विश्व में सबके लिए हैं, लेकिन अमीर वो बनते हैं, वेल्थ उनके पास आती है, दौलत और खुशी उनके पास आती है जो सबसे पहले मौकों को लेते हैं, उन्हें पहचानते हैं और फिर रिस्पोंड करते हैं। मेरे पूरे गांव में 10,000 आबादी का गांव है, पूरे जयपुर में मान लो आप, तो अभी जयपुर में लगभग लगभग ऐसे 5,000 से ज्यादा लोग होंगे जिनके पास 2,000 गज का प्लॉट है, 2,000 गज का प्लॉट जिसमें वो रहते हैं। ऐसे में एक खुशनसीब में भी हूं, लेकिन इन 2,000 गज के प्लॉट में से 90% लोगों के यहां बारिश सबके होती है ना, होती है कि नहीं होती है, लेकिन जिनके यहां बारिश होती, अच्छा खेत है कईयों के, पूरा खेत है, 5 बीघा 10 बीघा में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, साइकिल से जाते हैं, सुबह कहीं जाते हैं, तो ऐसे लोगों की भी बारिश होती है, लेकिन मौके नहीं उठाते। और मैं हर साल 3,00,000 लीटर पानी रिचार्ज करता हूं जमीन में, वाटर हार्वेस्ट से रिचार्ज करता हूं, और उसी पानी को फिर हम लोग वापस निकाल के यूज भी कर सकते हैं। अकेला घर है, बाकी गांव में अब तक पानी निकालने के लिए हैंडपंप खुदवाए थे, मेरे घर में इसलिए खुदवाया था कि मैं पानी जमीन को दे सकूं, क्योंकि बेचारी से निकालेंगे तो ये प्रोड्यूस थोड़ी करती है, पानी तो बाहर से आता है, पानी तो बारिश का ही जाता है नीचे। मौकों को उठाना खुशकिस्मत लोगों का पहला लक्षण, मौकों को पहचानना भाग्यशाली लोगों का दूसरा लक्षण, और उन मौकों पर रिस्पोंड करना, प्रतिक्रिया करना, उन मौकों से अपने जीवन में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर जाना, वो लोग दुनिया में खुश नसीब हैं जिन्हें 3 R का अनुभव पता चलता है। इसलिए एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जब न्यूटन ने पहली बार एप्पल पढ़ते हुए देखा तो क्या उससे पहले दुनिया में एप्पल पढ़ा नहीं था क्या? पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? मैडम पढ़े थे ना, हजारों सालों से एप्पल पड़ रहे हैं पेड़ से, लेकिन कीड़ा एक ही आदमी के चला, एक ही आदमी ने पूछा ये क्यों पड़ा, एक नहीं पूछा, और जिसने पूछा उसने पूरे विश्व को चौंका दिया, ओ माय गॉड ये पड़ा है तो कोई कारण है, और ग्रेविटेशनल फोर्स को दुनिया को महान गिफ्ट दे दिया। जब जब दुनिया में एप्पल तो करोड़ों के सामने पड़ा था और पड़ रहा है, सालों से पड़ रहा है, हमारे बाप दादा ने भी देखा था, हमने भी देखा था, हम इसमें क्या उखाड़ लेंगे पड़ रहा था तो, लेकिन न्यूटन ने इग्नोर नहीं किया, मौके को देखा, उस मौके को पहचाना और रिस्पोंड कर दिया, रे जीवन बदल गया और विश्व को बता गया इस दुनिया में एक अजीब पावर है जिसे दुनिया में ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एप्पल पहले भी गिरे थे, मौके पहले भी आए थे, ट्रेनिंगें पहले भी बहुत हुई थी, लेकिन आज वही पहुंचे हैं जिनका भाग्य आज उदय में आएगा, वही पहुंचे हैं। और जो नहीं पहुंचे उनकी चिंता मत करो, आपका भाग्य उदय आ गया तो उनका तो अपने आप ही आना है। न्यूटन से पहले एप्पल बहुत गिरे। दुनिया में जिस आदमी के सामने अपॉर्चुनिटी आती है, जो अंधा होके देखता है, उसको जीवन में कामयाबी नहीं मिलती। ये दौलत और खुशी इसके तो नियम है ही है। सबसे पहले तो भाग्य को चेक कर लो आज कि भाग्य भी सच में भाग्य है या उसके पीछे विज्ञान है। आपको नहीं लग रहा सीधी सीधी विज्ञान है? पानी जगत के आ रहा है लेकिन हार्वेस्ट कुछ लोग ही कर पा रहे हैं। एप्पल बहुत बार पड़े लेकिन एक आदमी ने पूछा एप्पल गिरा तो आखिर क्यों गिरा, और आर्किमिडीज बेचारा नहा रहा था टब में, और जैसे टब में एंट्री किया और पानी ऊपर आया, नंगाई दौड़ पड़ा शहर की गलियों में, ओ माय गॉड, वस्तु के आयतन को नापने का फार्मूला पता चल गया, अरे बाप, कपड़े भी चड्डी भी नहीं पहनी। जब जीवन में मौके आते हैं उनको रेज किया जाता है और उनको पहचाना जाता है तो प्रतिक्रिया ऐसी होती है, इंसान अपने जीवन में अपने सपनों तक भी वही पहुंचता है जिसे भाग्य की गणित पता है, भाग्य की विज्ञान पता है। जिनको दुनिया में दौलत और खुशी मिली है ना, वो भी वो हैं जिन्होंने जाने अनजाने में, दुनिया तो उनको भाग्यशाली कहती है, अरे लेकिन बेचारों ने जीवन लगा दिया पूरा, वो नंगा भाग रहा है तब जाके दुनिया को बता पाया घनत्व कैसे निकालते हैं, वस्तु का आयतन कैसे पता चलता है। ऐसे नहीं है, मजाक नहीं है, दुनिया यूं ही कह देती है भाग्यशाली है सुभाजी भाई साहब 1,00,000 गज बेच दी। अरे उनको पूछो वो 1,00,000 गज बेचने के लिए हमारे सुभाष बाबू को कितना वक्त लगा है, कितनी तकलीफों से गुजरे होंगे,
हमारे अजीत जी को पूछो तो सही एक बार, जीवन में कैसे कैसे संघर्ष देखने पड़े होंगे, कितने लोगों के नखरे सुनने पड़े होंगे, कितने लोगों ने इस दौर में बुराइयां की होगी, कितने लोगों ने कहा होगा नहीं नहीं जमाना गया, अब नहीं प्लॉटों का नहीं है, ये डायलॉग कितने नखरे सुनने पड़ेंगे। भाग्यशाली कहने से पहले ये तो पता कर लो, भाग्यशालियों की विज्ञान होती है भैया। आर्किमिडीज ने जैसे ही टब में, उनसे पहले टब में नहीं घुसे थे लोग, और अपन इतने साल से घुस रहे हैं, क्या कर लिया अपन ने, उसमें कुछ पता किया अपन ने, आज तक ध्यान गया क्या, पानी ऊपर आता है, बाल्टी में हाथ भी देते हैं तो पानी ऊपर आता है, इसका मतलब वस्तु के आयतन को निकालने का फार्मूला उसने अपने आप को टब में जाते हुए, इस दुनिया में भाग्यशाली लोग उन्हें कहा जाता है जिन्होंने अपने जीवन में जब जब धरती पे मौका आया उस मौके को उन्होंने पहचाना, उसे उठाया, मौके को पहचाना और फिर प्रतिक्रिया भी दी। 70% लोग 2 आर तक तो पहुंच जाते हैं, मौके भी दिख गए, पहचान भी लिया, लेकिन अब उठाए कौन, खाना भी है प्लेट में भी डल गया, लेकिन अब मुंह में डाले कौन। सुनो, जिसने अपने जीवन में मौकों को उठा लिया, मौकों को पहचान लिया और मौकों पे प्रतिक्रिया दे दी, भाग्यशाली उन्हें कहा जाता है। और वो लोगों का पहला लक्षण है, वो भाग्यशाली वही लोग कहलाते हैं जो ये काम करते हैं। एक वकील था अमेरिका में, वो अपने क्लाइंट के लिए बहस कर रहा था अदालत में, और उसकी जो क्लाइंट थी वो बलात्कार से पीड़ित थी। जब वो अपनी आपबीती सुना रही थी तो जो ज्यूरीज थे सामने, सारे जजों के आंखों में आंसू थे, पब्लिक के आंखों में आंसू थे, और वकील उन उसकी कहानी को सुनते सुनते जब उसने बताया मेरे साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ है, और ये बात उसका पिता भी सुन रहा था, सारे जज सुन रहे थे, सारी पब्लिक सुन रही थी, सारे लोग सुन रहे थे, लेकिन एक अकेला वकील का ही दिमाग ऐसा चला जिसके मन में यह ख्याल आया, अरे रे ये कहानी सुनकर अगर इस लड़की का पिता उन बलात्कार करने वाले को अगर मर्डर कर देवे तो क्या होता। इतनी सी घटना ने वकील को वकालत छुड़वा दी और राइटर बनवा दिया। और राइटर कैसा बना पता है, इस दुनिया का महान उपन्यास है टाइम टू किल, ए टाइम टू किल। और पता है उसकी दुनिया में कितनी प्रतियां बिकी है, 27.5 करोड़ प्रतियां बिकी है उसकी, और विश्व के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। जो बेचारा स्टाम्प पे जाके नोटरी से अटेस्टेड करवा के लाता था, उसका जीवन बदल गया। जब किसी की कहानी चल रही थी उसने अपनी कहानी बना ली, मौके को देखा, रेज कर लिया और उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे दी, रिस्पोंड कर दिया, और दुनिया में दौलत और खुशी का बापू बन गया। दौलत और खुशी उसके पास आ गई। नहीं, वकील बने रहने से कितनी आती मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, जितने लोगों को खुशनसीबी मिली है, साइंस है। दुनिया में हर वस्तु साइंस है। कोई भी चीज अपने जीवन में किसी सिद्धांत के ऊपर चल रही है, E=MC². कई वर्षों तक ये पता चलता था एनर्जी के लिए एनर्जी का क्या संबंध है, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने थोड़ा दिमाग को शांत करके मौकों को देखा, उन मौकों को पहचाना और रिस्पोंड कर दिया, तो दुनिया ने E=MC² का फार्मूला दे दिया। ऊर्जा के लिए ऊर्जा की जरूरत है, बल के लिए बल की जरूरत है। इस दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं उनको दुनिया भाग्यशाली कहती तो है। अरे भैया, लेकिन भाग्यशाली ऐसे नहीं।